आते समय ही इसको वेंटिलेटर पे डाला गया और हमें इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद इसका सांस का रास्ता गले से बना दिया गया, जिसको ट्रिकोस्मी कहते हैं, और ट्रिकोस्मी ऊपर ये बेहतरी तकरीबन 3 महीने रहा। बट अभी 3 दिन पहले इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब हमने रिकॉर्ड देखे तो हमें पता चला इसका आज बर्थडे है, तो हम डॉक्टरों ने, नर्सों ने और सभी ने मिलकर इसका बर्थडे बाद में मनाया। पहले अपना नाम बोल दो। मैं सरदार जसबीर सिंह, पुत्र सरदार गुरबचन सिंह, फिरोजपुर ज़िले तो जौल हॉस्पिटल आते रेफर किया गया सी। साडा बच्चा काफ़ी सीरियस सी, जो कि 2.5-3 महीनों के बीच खूब बहुत बढ़िया इलाज होया, बहुत अच्छा हस्पताल, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत बढ़िया केयर हुई, असी सारे खुश हैं। उस केयर के मुताबिक साडा बच्चा अज तंदुरुस्त है, साड़ी अखा के सामने है, सानू बहुत खुशी होंदी है। और इस हस्पताल दे विच आकर इन्ना मान सम्मान मिलिया और मालक सब नू इत्थे तंदुरुस्तियां बख्शे, चढ़दियां कलां च रखे, असी यही कहना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब उहनां दीआं भी लंबियां उमरां करे, प्लस उन्हां दा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मान सम्मान मिलिया, तरक्कियां बख्शन, चढ़दियां कलां च रहन। सत श्री अकाल। जिहड़ा अज बर्थडे सीगा जी, उह दस्सो साडा अज काके दा बर्थडे सीगा। 21वें साल दे विच काका प्रवेश होया और बहुत ही माण वाली गल है कि हॉस्पिटल वाले ने पूरा सहयोग दे के, सानू ना पता लगने के बावजूद भी उन्होंने आपदे बन्नियों केक कटिया, पूरे स्टाफ ने बहुत जी आया की, बहुत बच्चे का धन्यवाद किया। इन्ना हौसला मिला कि सानू यह नहीं पता चलिया कि असी हस्पताल दे विच हैं या घर दे विच बह के बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। मालक इन्हां नू चढ़दियां कलां च रखे, तंदुरुस्तियां बख्शे, धन्यवाद। तकरीबन 3 महीने पहले हरदीप सिंह नाम का मरीज हमारे पास लाया गया, जो बिल्कुल गैस्ट्रिक सिचुएशन में था। इसका डायग्नोज हुआ गुलनबारी सिंड्रोम। गुलनबारी सिंड्रोम में जो नर्व्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो कॉन्शियस रहता है। सो आते समय ही इसको वेंटिलेटर पर डाला गया और हमें इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद इसका सांस का रास्ता गले से बना दिया गया, जिसको ट्रिकोस्मी कहते हैं, और ट्रिकोस्मी ऊपर ये मरीज तकरीबन 3 महीने रहा वेंटिलेटर के आईसीयू में। और अभी 3 दिन पहले इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब हमने रिकॉर्ड देखे तो हमें पता चला इसका आज बर्थडे है, तो हम डॉक्टरों ने, नर्सों ने और सभी ने मिलकर इसका बर्थडे बाद में मनाया, ताकि ये मोटिवेटेड रहे और जल्दी ठीक होकर घर जाए। सबसे अच्छी बात है कि उसको कोई बुखार नहीं है और 3 महीने के आईसीयू स्टे में ऑन वेंटिलेटर रहने के बावजूद भी एक भी बेड सॉर और एक भी वेंटिलेटर से उससे निमोनिया, यूटीआई कुछ नहीं हुआ इसको। दैट्स द अचीवमेंट बाय द हॉस्पिटल स्टाफ। सो मैं परमात्मा वाहिगुरु दे के आगे अरदास करता हूँ कि परमात्मा इसको जल्दी से ठीक कर घर भेजे और अजय अपने परिवार में खुशी खुशी रहे। धन्यवाद।